What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. Let's make some delicious dahi papdi chaat. तो आज मैं एकदम सिंपल चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दही पापड़ी चाट की। इस रेसिपी में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एकदम परफेक्ट क्रिस्पी लाइट पापड़ी कैसे बनाते हैं। उसके साथ ही मैं एक दही बल्ले वाला स्पेशल चाट मसाला बनता है वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके साथ ये चाट की रेसिपी एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। और साथ ही मैं हरी चटनी तीखी वाली और साथ ही में मीठी वाली भी चटनी, ये सारी रेसिपीज सारे कॉम्पोनेंट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। लेट्स डू दिस। हमारा पापड़ी का जो डो है वो हमने लगा लिया है। इस डो को लगाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको डो में जो मोइन है, जो हमने घी डाला है, उसको अच्छे से मलना है। आटे को और घी को अच्छे से मलिए, जब आप उसको प्रेस करें वो साथ में आकर जुड़ जाना चाहिए। ऐसे थोड़ा ब्रेड क्रम लाइक कंसिस्टेंसी बोलते हैं, पर वो घी अच्छे से आटे में लग जाना चाहिए। दैट्स द बेसिक टेक्निक। वो करने से हमारी जो पापड़ी है वो बहुत खस्ता बनती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको स्किप मत करिएगा। दूसरी बात, जो डो है, कई लोग बहुत टाइट डो लगा देते हैं पापड़ी के लिए, वो ज़रूरी नहीं है, वो थोड़ी मट्ठी वाला टेक्सचर आ जाता है। ये डो को सेमी टाइट लगाइए, एकदम नरम नहीं होना चाहिए और एकदम सख्त भी नहीं होना चाहिए। सेमी टाइट डो लगाइए और आपकी जो पापड़ी है वो बहुत अच्छी बनेगी। अभी इसको कम से कम आधे घंटे के लिए हमें रेस्ट करना है, आधे से एक घंटे तक भी रेस्ट कर सकते हैं। जब तक ये डो रेस्ट हो रहा है तब तक बाकी के जो हमारे चाट के कॉम्पोनेंट्स हैं वो बना लेते हैं।
तो हमारी चाट की चटनियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। दोनों ही चटनियाँ बहुत डिलिशियस लगती हैं। जो हरी चटनी है उसमें ध्यान दीजिए कि थोड़ी सी तीखी बनाइए, जब ये मीठी चटनी के साथ कॉम्बिनेशन में आएगी तो उसका जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मीठी चटनी आप बनाकर काफ़ी समय तक रख सकते हैं, अगर नॉर्मल फ्रिज में आप रखोगे तो 2-3 दिन तक रखिए या हफ्ते तक भी चल जाती है कभी कभी अगर अच्छे से आपने रखी हुई है तो। अगर आपको ज़्यादा समय तक 1-2 महीने तक इसे रखनी है तो इसको फ्रीज़र में रख दीजिए, आराम से टिक जाती है, 2-3-4 महीने भी टिक जाती है। अभी नेक्स्ट जो स्पेशल हमारे दही बल्ले वाला चाट मसाला है वो बना लेते हैं। हमारा दही बल्ले वाला चाट मसाला रेडी हो गया है। बिलीव मी, ये वाला जो दही बल्ले वाला मसाला है उससे आपकी जो चाट है वो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनेगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, जब आप जीरे को भुनेंगे उसको अच्छे से एकदम ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन टू ब्लैक होने तक भुनना है, अच्छे से धीमी आंच पर, उसी से सारा इसका फ्लेवर आएगा। और बाकी जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है सारे मसालों का, उससे ये चाट मसाला बहुत डिलिशियस लगता है। ये चाट मसाला सिर्फ दही पापड़ी चाट में नहीं, दही वड़े पे, दही बल्ले पे बहुत अच्छा लगता है। और सारी दही वाली जितनी भी आइटम है रहता है, प्लेन दही में भी डाल के खा सकते हो, बहुत डिलिशियस लगता है। अभी हमारे सारे कंपोनेंट्स रेडी हो गए हैं, हमें अभी नेक्स्ट स्टेप में पापड़ी को बेलना है और उसको तलना है। वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हमारी एकदम क्रिस्पी खस्ता और लाइट पापड़ीज रेडी हो गई हैं। इसको बनाते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जब इन्हें शेप करेंगे तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, एक सिंगल सिंगल पापड़ी बेल सकते हो और एक साथ बड़ी एक रोटी बेलकर एक साथ इन्हें काटकर छोटी छोटी पापड़ियाँ बना सकते हो। जब आप दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप जब भी कट कर लेंगे पापड़ी को उसके बाद आपको फिर से इन्हें बेलना पड़ेगा, क्योंकि कट करने के बाद पापड़ी श्रिंक होती है, वापस ठीक हो जाएगी। अच्छी पापड़ी फ्राई करने के लिए एकदम पतली पापड़ी, जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला आप बेलिए, बहुत अच्छी पापड़ी फ्राई होती है।
पापड़ी बेलने के बाद आपको एक फोक यूज करके इसको होल जरूर मारने हैं इसके ऊपर, अगर वो नहीं करोगे तो ये पूरी बन जाएगी, तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, आप जब इसे फ्राई करेंगे तो आपको मीडियम मॉडरेटली हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई करना है और लो फ्लेम पे फ्राई करना है। एक साथ ज़्यादा पापड़ियाँ डालिए कढ़ाई के अंदर और धीरे धीरे इनको फ्राई कीजिए। जितना धीरे धीरे आप इनको फ्राई करेंगे उतनी आपकी पापड़ी जो खस्ता और क्रिस्पी बनेगी, तो ये बात का ध्यान दो। आराम से एक एयरटाइट कंटेनर में 15 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं और एकदम खस्ता रहेगी आपकी पापड़ी, और कई सारी अलग अलग चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो इस पापड़ी को। सेव पूरी बनाइए, कोई भी चाट की रेसिपी में यूज़ कीजिए, आराम से यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमारे सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट अभी देख लेते हैं दही पापड़ी चाट कैसे बनाते हैं। हमारी दही पापड़ी चाट रेडी हो गई है। आज मैंने एकदम सिंपल वाली दही पापड़ी चाट बनाई है। मुझे अपनी दही पापड़ी चाट एकदम ऐसे ही सिंपल अच्छी लगती है, सिर्फ आलू, ये दो चटनियाँ और मसाले के साथ। तो आप भी ऐसे ही बनाइए और ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहते तो इसमें थोड़ा टमाटर, प्याज, थोड़े से स्प्राउट्स, लाल चटनी, सेव वगैरह सब डाल सकते हो। मैं तो अपनी दही पापड़ी चाट में सेव भी नहीं डालता हूँ, मुझे ऐसी ही पसंद आती है, पर आपके ऊपर है, आप इसको थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये ट्राई कीजिए रेसिपी अपने घर पे और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कैसे लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस डिलीशियस दही पापड़ी चाट रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।